एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में फायर विभाग ने सिटी मॉल पर मॉक ड्रिल किया और हाइड्रोलिक मशीन की क्षमता को परखा गया। इसके साथ पुलिस व प्रशासन का रिस्पांस टाइमिंग भी चेक की गई, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि सिविल पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम के रिस्पांस टाइम को देखने के लिए यह मॉक ड्रिल किया गया है, जिससे कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या मॉल में आग लग जाए तो समय पर पहुंचकर फायर विभाग आग बुझाने में कामयाब हो सके। एडीजी ने कहा कि मॉक ड्रिल में यह भी देखा गया कि मॉल के कर्मचारी प्रशासन का आग बुझाने में कितना सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में यह पाया गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 5 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच गई तथा एरिया के चौकी इंचार्ज 3 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर सिटी मॉल के मालिक से संपर्क कर लिए, जिससे कि रिस्पांस टाइम अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मॉल के नजदीक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बीच में बिजली का तार आ गया था। उस बिजली के तार को काटना पड़ेगा, जिससे कि अगली बार फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नजदीक लाया जा सके और उसका पानी मॉल पर गिर सके। एडीजी जोन ने बताया कि यह मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान एडीजी जोन ने मॉल का निरीक्षण कर मॉल के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीएफओ डीके सिंह, कैंट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा,
सर 13 सिस्टम्स सब लगाई सब टोटल नहीं मतलब जैसे इसी थिएटर में स्केप रूम क्या मतलब तुरंत में अलार्म सिस्टम होगा और फिर उनको निकालने एकदम लगी है बस जैसे यार उसको मालूम है क्या करो बचने के लिए जब तक नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता गैस मास्क क्योंकि जब बहुत चीज़ें प्लास्टिक जलती है उसकी फ्यूज बहुत पॉइंटनेस होती है पॉइंटनेस होती है उससे बचने के लिए उनके पास क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वो सब है एंट्री एग्जिट यही है एग्जिट इसके ऊपर है सर एंट्री फायर ड्रिल जो है मॉक ड्रिल कराया गया था सिटी मॉल पे। इसमें मुख्यतः उद्देश्य ये था कि सिविल पुलिस और फायर पुलिस जो हमारी है कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एक नई मशीन आई है जो मल्टी राइज या हाई राइज बिल्डिंग्स को आग बुझाने में काम आती है, उसका रिस्पॉन्स देखना था। तो कुल मिला के एक ड्रिल था, मॉल का क्या रिस्पॉन्स है, उनके एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई थी यहाँ पर, जिसमें कुछ चीज़ें तालमेल की बातें आई है, कुछ चीज़ें हमारे रेस्पॉन्स की आई है, वो उन चीज़ों के आधार पे हम लोग उसको अपने और सुधार लाएंगे अपने परफॉर्मेंस में। देखिए शुरुआती हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुँच गई। चौकी इंचार्ज भी 3 मिनट के ही उन्होंने मॉल के मालिक से संपर्क कर लिया था, 4 मिनट में वो आ गए। तो कुल मिला के इनिशियल व्हीकल्स आ गई थी और अच्छा रिस्पॉन्ड थी। जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है उसकी अपना एक टाइमलाइन प्रोसेस है, वो भी उसमें ये एक मेन जो दिक्कत आई है कि उसका एक्सेस मॉल पे नहीं पहुंच पाया था, उसके लिए बिजली की तार काटनी पड़ेगी। एक्चुअल सिनेरियो में वो जब तार कटेगी तो वो और पास आ सकती है, तो वो ड्रिल हम नहीं कर सकते थे। बट उससे पानी का फवारा चेक किया गया, उनके दो स्रोत हैं, एक हाई पतला है और एक थोड़ा मोटा है, उसमें एक में कुछ माल फंक्शनिंग आई है, उसको वो ठीक कराएंगे एक और दो दिन में। बट कुल मिला के मैं फायर सर्विस का रिस्पॉन्स अच्छा पाया गया।